उदाहरण एक, आरटेक्स इकाई लंबाई का एक रेखाखंड एबी है जिसे दो बराबर भागों में बांटना है। तब आप यह कैसे बताएंगे कि इसके प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है? हल, माना दिए गए रेखाखंड एबी पर सी कोई बिंदु है जो एबी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, एबी बराबर एसी धन बीसी। अब चूंकि सी रेखाखंड एबी को दो बराबर भागों में बांटता है, अतः एसी बराबर बीसी। इसीलिए एबी को हम लिख सकते हैं एसी धन बीसी के स्थान पे, फिर से हम पुनः इसे एसी लिखेंगे। अब हमारे पास एबी की कुल लंबाई जो है वह दी है आठ एक्स, यह लंबाई जो है हमारी आठ एक्स इकाई है। तब हम एबी के स्थान पर आठ एक्स लिखेंगे बराबर एसी का, एसी से जोड़ने पर योग करने पर हमें प्राप्त होगा दो एसी, या एसी बराबर आठ एक्स बटा दो। ये जो दो है, दो एसी का पक्षांतर हो के ये आठ एक्स के नीचे बटा दो हो जाएगा, या हम एसी को लिख सकते हैं दो गुणित चार एक्स बटा दो। यहाँ दो और दो कट जाएगा, तब हमें एसी बराबर चार एक्स प्राप्त होगा। तो इस तरह से एसी की लंबाई हमें चार एक्स मिली, अर्थात रेखाखंड के दोनों बराबर भागों की लंबाई चार एक्स इकाई और चार एक्स इकाई होगी, अतः एसी बराबर चार एक्स है। अधिक पद वाले बहुपदों में भाग। कई पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद से भाग करने में हम हर पद को अलग अलग कर सकते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं कि बहुपद 18x का वर्ग धन 9x को गुणन खंडन करते हुए तीन एक्स से भाग दीजिए। तो 18x वर्ग धन 9x को 3x से भाग देने के लिए हम इसे लिखेंगे 18x का वर्ग धन 9x पूरे के बटे 3x। अब हम प्रत्येक पद का गुणन खंडन करेंगे। तो 18x का वर्ग का गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 9 गुणित 2 गुणित एक्स गुणित एक्स, क्योंकि x का वर्ग है, धन 9 गुणित एक्स, और पूरे के बटे में हम इसे लिखेंगे 3 गुणित एक्स। अब हम देखेंगे कि इस अंश पद में क्या उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है। तो आप देखेंगे दोनों पदों में 9 और एक्स है, तो हम यहाँ से क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं? 9 गुणित एक्स, ये उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो हमारे पास प्रथम पद में क्या बचेगा? 2 गुणित एक्स धन, क्योंकि 9 गुणित एक्स उभयनिष्ठ हो चुका है तो यहाँ लिखेंगे 1, और बटे में 3 गुणित एक्स, या इसे लिख सकते हैं 9x 2x धन 1 और बटे 3x। चलिए आगे हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ था पद 9x कोष्टक में 2x धन 1 और पूरे के बटे 3x।
इसे हल करने पर हम देखते हैं कि यह 3x का 3 गुना 9x होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और कोष्टक में हमारे पास बचेगा 2x धन 1। इस प्रकार इसे पुनः हल करने पर मिलेगा 6x धन 3 एकम 3। इस प्रकार हमने 18x का वर्ग धन 9x को 3x से भाग दिया और हमें प्राप्त हुआ है 6x धन 3। इस प्रकार इसका हल हुआ। चलिए हम एक और उदाहरण करके देखते हैं। इसके लिए पुनः एक प्रश्न लेते हैं। बहुपद 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x का वर्ग का गुणन खंडन करते हुए चार एक्स के वर्ग से भाग दीजिए। तो पुनः इसको भाग देने के लिए हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? हम लिखेंगे 4x की घात 4 धन 12x की घात 3 धन 8x का वर्ग पूरे के बटे 4x का वर्ग। हम हर पद का गुणन खंडन करेंगे और चूंकि हमारे पास हर में x की घात 2 है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम गुणन खंडन करेंगे और लिखेंगे 4 गुणित x का वर्ग गुणित x का वर्ग। हर में हमारे पास 4 भी है धन, इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 3 गुणित 4 गुणित x का वर्ग और फिर हमारे पास क्योंकि x की घात 3 है तो बचेगा गुणित x धन 8x का वर्ग। इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 गुणित 4 और साथ में x का वर्ग पूरे के बटे में 4x का वर्ग। अब देखते हैं कि प्रत्येक पद में क्या उभयनिष्ठ निकाला जा सकता है प्रत्येक पद से। तो आप देखेंगे कि 4 और x का वर्ग ये प्रथम पद में भी है, पुनः दूसरे पद में 4 और x का वर्ग और तीसरे पद में भी 4 और x का वर्ग हम देख रहे हैं। तो हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं 4x का वर्ग और कोष्टक में प्रथम पद में बचेगा x का वर्ग धन, द्वितीय पद में बचेगा 3x धन और यहाँ पर तृतीय पद में बचेगा 2 पूरे के बटे 4x का वर्ग। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको गुणन खंडन रूप में लिखा हुआ है 4x का वर्ग कोष्टक में x का वर्ग धन 3x धन 2 और बटे में है 4x का वर्ग। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा x का वर्ग धन 3x धन 2। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ।